सो हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मास्टर रैंक पे हर दो मैच के बाद एक हार्ड लॉबी आ ही जाती है एंड सोलो में हार्ड लॉबीज में थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा होती है एंड सेम ही मेरे साथ भी होता है। मेरा भी एक हार्ड लॉबी लग जाता है जिसमें दो तीन बार तो थर्ड पार्टी होती है, बट मैं तब भी उस मैच को अच्छे खासे किल के साथ मैच को पूरा एंड तक ले गया एंड उसमें 51 का प्लस निकाला। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मास्टर रैंक में हार्ड लॉबी में सर्वाइव कैसे करते हैं उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो गोल बता देता हूँ। सो इस वीडियो पे आप लोग 700 लाइक्स कर देना एंड 150 कमेंट्स कर देना। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको सबसे पहले के कैरेक्टर को लगा लेना है एंड उसके बाद में आपको पैसिव स्किल में लूना कैरेक्टर को लगा के एंड्रू कैरेक्टर को लगा लेना है एंड फिर आपको मैक्सिम कैरेक्टर लगा लेना है। एंड ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको अभी बताया है बहुत ही ज्यादा ओपी है। फिलहाल यहाँ पर हमने मैच को कर दिया स्टार्ट एंड प्लेन पाथ जा रहा है फैक्ट्री के ऊपर की साइड से। तो हमें प्लेन पाथ के काफी ज्यादा दूर उतरना है क्योंकि ये हार्ड लॉबी आई है। तो प्लेन पाथ से दूर मेरे को न्यूरेक डैम वाला प्लेस सही लग रहा था बिकॉज वो प्लेन से काफी ज्यादा दूर था एंड मेरे साथ अगर कोई एनिमी भी आएगा तो वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हार्ड लॉबी में आपको भी लैंडिंग करनी है। अब क्योंकि हमारे सामने एक एनिमी जा रहा है तो यहाँ पर मेरे को एक छोटा छोटा घर देखने को मिलता है। सो हम लोग यहीं पर ही लैंड कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर गन ले लेंगे एक बार तो उस एनिमी से हम लोग बच सकते हैं। सो ये प्लानिंग करके मैं यहाँ पर ही लैंड कर गया जबकि मैं न्यूरेक डैम जा सकता था। तो अभी हमारे पास शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों गन है एंड उसी के साथ में हमारे पास वेस्ट भी है। तो अभी हम लोग फटाफट से गाड़ी का यूज करके अपनी मेन लोकेशन पे जाएंगे एंड वहां पर अच्छा लूट करेंगे यानी शॉर्ट गन वगैरह लेंगे। क्योंकि मैं आपको हमेशा से ही बताया हूँ कि भाई एसएमजी गन कभी कभार धोखा दे देती है बट शॉर्ट गन जैसी गन धोखा नहीं देती है, इसलिए आपको शॉर्ट रेंज में शॉर्ट गन का ही यूज करना चाहिए। एंड शॉर्ट गन कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको चेस्ट पे भी मिल सकता है जिस तरीके से मेरे को यहाँ पर M1014 मिला। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को देखने को मिलता है यहाँ पर M1014। सो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि चेस्ट एक बार ओपन जरूर से कर लेना। बाकी यहाँ पर मेरे को इस साइड पे एल शेप के साइड से फायर का साउंड आया एंड मेरे को एक एनिमी भी स्पॉट होता है। सो मैं फटाफट से एनिमी के शॉर्ट रेंज में घुसने का ट्राई करता हूँ क्योंकि भाई मेरे पास है शॉर्ट गन। तो यहाँ पर एनिमी एल शेप के ऊपर में होता है तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक लगाता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे में चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ एंड एनिमी का फुट स्टेप सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ एंड उसके बाद जैसे मेरे को लोकेशन पता लग जाती है तब मैं एनिमी से थोड़ा सा डैमेज करके पीछे की साइड में भाग जाता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे पीछे की साइड में आके अपना वेस्ट रिपेयर करता हूँ। एंड मेरे को पता था कि एनिमी मेरे ऊपर वापस से रश करेगा एंड इस वजह से मैं इस एनिमी को मार देता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क ग्लिच हुआ इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा दिखा होगा। तो यहाँ पर ना मैंने खुद डैमेज खा के एनिमी को लालच दिया एंड मेरे को पता था कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा एचपी बहुत ही जल्दी फुल होगा। तो यहाँ पर मैं डैमेज खा के पीछे आया, चुपचाप अपना वेट किया एनिमी का एंड एनिमी जैसे रस आया मैंने उसे मार दिया शॉर्ट गन की वजह से। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को आप लोग जरूर से फॉलो करना, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि उत्कर्ष भाई हार्ड लॉबी में सिर्फ आप फाइट करना सिखा रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो हार्ड लॉबी में ना आपको भी थोड़ा सा मतलब अटैक करके खेलना पड़ेगा तभी आप कॉन्फिडेंस ला पाओगे एंड तभी आप लोग लास्ट जोन में फाइट ले सकते हो, थर्ड पार्टी से भी डील कर सकते हो। बाकी अभी हमारे पास बेसिक लूट तो है बट अभी हमें अच्छा खासा वेस्ट हेलमेट और बाकी चीजें लेनी होगी। तो फटाफट से पहले लूट कंप्लीट करते हैं। One eternity later. तो अभी हमारे पास 1200 टोकन हो गया है एंड अभी हमारी लूट भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम लोग आर्सेनल की ही लेने जा रहे थे कि तभी मेरे को फुट स्टेप आता है एंड ये देखो एक एनिमी आता है। फटाक से हम लोग M10 से डैमेज करना शुरू करते हैं एंड इस एनिमी को बिना कुछ सोचे समझे फिनिश कर देते हैं। मतलब इतनी जल्दी एनिमी फिनिश कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज आपके पास शॉर्ट गन है एंड दूसरी चीज आपने लूना कैरेक्टर लगाया हुआ है, तभी हम लोग इस एनिमी को बहुत ही जल्दी फिनिश कर दिया। एंड इस तरीके से आप लोग भी एडवांटेज उठा सकते हो इस वाले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का। सो अभी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अपने चैनल के रिगार्डिंग। सो हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एंड उसमें BR और CS दोनों का गेम प्ले रहने वाला है। सो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप सभी को एंड उसका जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो कल शाम 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। सो आप लोग उसे जरूर से देखना एंड सीरीज पे पहला एपिसोड आप लोग देखना, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप लोग बाकी के एपिसोड्स देखना। बाकी मैं तो अपना 101% एफर्ट डाल रहा हूँ। सो आप लोग देखोगे कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। तो यहाँ पर हम लोग आर्सेनल की खरीद चुके हैं एंड अभी हम लोग 4 का वेस्ट और अच्छा खासा गन और ग्लूअल चिप वगैरह आर्सेनल की से लेंगे एंड फिर निकल जाएंगे जोन में बिकॉज जोन काफी ज्यादा दूर बना है। एंड आपने एक चीज नोटिस किया, मैं गाड़ी का यूज बहुत ही ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि भाई हार्ड लॉबी में गाड़ी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, अभी आपको दिख जाएगा। नाउ अभी हम लोग आर्सेनल पे पहुंच चुके हैं एंड अभी आर्सेनल ओपन करके हम लोग फटाफट से 4 का वेस्ट उठाने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखो M4A1 3 चिप का मिल रहा है बट हम लोग इस गन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये गन लॉन्ग रेंज में बहुत ही कम डैमेज देती है। एंड यहाँ पर M14 है बट हम इसको भी नहीं उठाएंगे। एंड अभी जस्ट मेरे को फुट स्टेप का साउंड आता है एंड तभी एक एनिमी मेरे मुंह पे आ जाता है एंड ये ट्रोगन का यूज कर रहा था तो मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है। तो मैं वॉल लगा के सबसे पहले हील करने का ट्राई करता हूँ एंड तभी देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी शुरू हो जाती है। एंड जैसे ही मुझे पता लगता है कि भाई एक एनिमी मजे ले रहा है मतलब थर्ड पार्टी
पार्टी करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत मैं पीछे के साइड में आता हूँ एंड देखो देखते ही देखते मेरा एचपी कितना ज्यादा फुल हो गया है एंड फिर फाइनली इस एनिमी को मैंने फिनिश कर दिया एंड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से मैंने बिना मेडिकिट मारे ही अपनी एचपी फुल कर लिया। सो देखो कितना ज्यादा हेल्पफुल है ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अब देखो इस एनिमी को मैंने फिनिश कर दिया है, अब एक एनिमी आ रहा है आर्सेनल के अंदर, बट मैं इस एनिमी को अवॉइड करते हुए फटाफट से गाड़ी उठाऊंगा एंड यहाँ पर निकल लूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर रिस्क ज्यादा लग रहा था। एंड आप लोग को एक चीज को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को निकालना है, अगर आप किसी भी एनिमी को अवॉइड करके जा रहे हो देन आपको गाड़ी को लेफ्ट राइट या फिर जिगजैग करके निकालना है। इससे क्या होगा कि एनिमी आपकी गाड़ी को फोड़ नहीं पाएगा जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और भी ज्यादा बचने के। नाउ अभी हम लोग जोन में सीधे जाने वाले हैं एंड जोन सर्वाइव करने वाले हैं, बट आपको एक चीज याद दिला दूं कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज हैं 40K सब्सक्राइबर्स के लिए। फिलहाल अभी हम लोग जोन में पहुंच चुके हैं एंड देखो यहाँ पर थर्ड जोन भी बन चुका है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जोन के एज पे जाने वाले हैं, बिल्कुल ही एज पे जाएंगे, तो ऐसा आपको भी करना है। अब हम लोग फाइनली यहाँ पर जोन के एज पे आ तो चुके हैं, बट अभी देखो मैं यहाँ पर गाड़ी छोड़ दूंगा। रीजन इज कि देखो पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका में गाड़ी लेके घुसोगे तो सर्विस हो जाएगी आपकी बराबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे पैदल जाने वाले हैं जोन के अंदर एंड अभी मेरे को एनिमी दिखा, ये लो भाई इसी को कहते हैं हार्ड लॉबी। कब कहां से एनिमी आ जाए कुछ ज्यादा पता नहीं है। अब देखो ये भी सरवाइव कर रहा था, ये देखो गाड़ी लेके आया था, ठीक है। जोन के एज पे जाने से यही फायदा होता है कि आप लोग अपने आगे वाले एनिमी को पता कर सकते हो कि कहां कहां पे हो सकता है। तो अभी इस एनिमी को मैंने क्लियर कर लिया है। अब देखो यहां पर मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या बना रहा हूं, ये जोन पहाड़ी इलाका पे बन रहा है सो अभी मैं क्या करूंगा पहाड़ पे जाके बैठने वाला हूं क्योंकि वहां पर मेरे को चारों तरफ से एनिमी का लोकेशन पता लगेगा एंड उसी के साथ में मेरे को फुटस्टेप का साउंड भी आएगा। सो इस तरीके से मैं एनिमी की लोकेशन ट्रैक करके एनिमी से फाइट ले सकता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीत भी सकते हैं बिकॉज हम शॉटगन एंड चारकॉफ वेस्ट यूज कर रहे हैं। लास्ट जोन में पॉकेट मार्केट से क्रोनो की एबिलिटी जरूर से खरीद लेना क्योंकि ये लास्ट जोन में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देती है। तो देखो कितने इजीली हम लोग 11th पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं विद 4 किल्स। तो इस तरीके से अगर आप खेलोगे तो आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नाउ जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि एनिमी का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं फुटस्टेप की वजह से, तो यहाँ पर मेरे को अभी फुटस्टेप आ रहा है एंड गाड़ी भी आई थी। तो यहाँ पर देखो मैं एक एनिमी को स्पॉट कर लेता हूँ एंड इस एनिमी को थोड़ा सा डैमेज करता हूं एंड फिर उसके बाद रश कर देता हूं, बट इस एनिमी को कोई और ही एनिमी मार देता है जो कि नीचे से ऊपर की साइड में आ रहा था पहाड़ी पे। सो अभी आप लोगों ने दो थर्ड पार्टी देखा, एक आर्सेनल पे और एक अभी आप तीसरी थर्ड पार्टी देखने वाले हो। अब यहां पर ये एनिमी जैसे ही ऊपर आके लूटता है तभी एक और एनिमी आइरिस लगा देता है एंड फिर हम दोनों एक साथ भागते हैं परमानेंट कवर पे क्योंकि वहां से हमें कोई एनिमी डैमेज नहीं कर पाएगा। अभी इस एनिमी को मैं डैमेज कर ही चुका था तो इस एनिमी को तो मेरे को मारना ही पड़ा क्योंकि ये क्लोज रेंज में भी था। तो यहां पर मैंने M10 से इसे बहुत इजीली मार दिया। अब फिर मैं लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को एम कर रहा था एंड आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि मेरा अभी तक एक भी एचपी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं लगातार फाइट में इंगेज था एंड फिर उस लॉन्ग रेंज वाले एनिमी को भी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था जिसने आइरिस यूज किया था एंड उसे ज्यादा डैमेज इसीलिए कर पाया क्योंकि लूना कैरेक्टर की वजह से उसे ज्यादा गोलियां पड़ रही थी। सो अभी काफी ज्यादा देर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ड्रोन भी छोड़ देते हैं जिससे हमें एनिमी की लोकेशन भी पता लग जाएगी एंड उसके बाद एनिमी को डैमेज बीच बीच में देते रहते हैं ताकि हम फाइट में इंगेज रहें एंड हमें कोई और एनिमी डैमेज ना कर पाए। तो अभी हमारे 5 किल हो चुके हैं एंड 3 बंदे अलाइव हैं, तो चारों तरफ हम लोग एक बार लोकेशन चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे बहुत ही क्लोज रेंज में कोई एनिमी तो नहीं है। एंड अभी आप लोग देखने वाले हो चेक करने का फायदा। अब यहाँ पर मैं आगे की साइड में जाता हूँ एंड मेरे को अभी एनिमी स्पॉट नहीं हुआ है एंड तभी मेरे को फुट स्टेप आता है, तब जाके मैं इस एनिमी को स्पॉट कर पाता हूँ एंड फिर ये एनिमी ग्लू वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर छोड़ के ओरियन बन के मेरे ऊपर रश आ जाता है, बट मैं फाइनली इस एनिमी को भी फिनिश कर देता हूँ। सो देखो मैंने कितने इजीली इस एनिमी को फिनिश कर दिया, आप भी कर सकते हो, बस मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो जरूर से करना। एंड इसके जस्ट बाद ही लास्ट एनिमी भी मेरे ऊपर रश आ जाता है एंड ये एनिमी बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर था क्योंकि लास्ट जोन में ये एनिमी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था क्योंकि ये बाइजन गन का यूज कर रहा है। सो हेडशॉट मारने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है, तो मैं समझ गया था, इसीलिए मैं अपना टाइम ले लेके इस एनिमी से फाइट कर रहा था एंड फिर जैसे ही मैं इस एनिमी पे रश करूं ये एनिमी फिर से दूर भाग जाए। समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रो प्लेयर है, मतलब मास्टर की लॉबी में ऐसे बंदे भी आते हैं, ये तो अब भी हीरोइक 4 स्टार की लॉबी है। अब यहाँ पर मैं जब क्लोज में जाके इस एनिमी पे रश करता हूँ ये फिर से डिस्टेंस मेंटेन करता है एंड फिर जब एनिमी रश आता है मैं यहाँ पर क्रोनो का एबिलिटी दबाता हूँ, बट क्रोनो चालू ही नहीं होता, इस वजह से इस मैच में हम टॉप 2 ही कर पाते हैं। तो इस मैच में हमें 51 का प्लस मिलता है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब एंड सामने आने वाली वीडियो पे क्लिक कर दो, क्या पता वो अनाउंसमेंट वीडियो ही हो एंड मैं मिलता हूँ आपको उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।